कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2024 वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह। आज की इस वीडियो में हम पिछले साल यानी कि वर्ष 2023 के साथ साथ जनवरी 2024 के करंट अफेयर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, आज के इस वीडियो को यूट्यूब प्रीमियर में रखा गया है ताकि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख करके उसके सही आंसर को नीचे चैट सेक्शन में जाकर टाइप करके सेंड कर सके ताकि वीडियो के दौरान आपका प्रैक्टिस हो जाए। कोई भी स्टूडेंट खाली पीली बैठ करके वीडियो को मत देखना, वीडियो आपके प्रैक्टिस के लिए है। कोई ये मत सोचना कि मुझे इस प्रश्न का आंसर नहीं आता, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो मैं इसका आंसर ना दूँ, या बैठ करके केवल वीडियो देखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा। वीडियो के दौरान अगर गलती होता है तो इस गलती से आप सीख लेकर के एग्जाम में करेक्ट आंसर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो खाली पीली बैठ करके वीडियो को मत देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, देखिए आपके पास सफिशियंट समय रहेगा और मेरे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर देना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा तो मैं वो क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसके नीचे दिए गए चार ऑप्शन को पढ़ूंगा। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, उसका आंसर भी है, तो मेरे आंसर बताने से पहले जो आपके पास समय आपको मिल रहा है उस समय का उपयोग करते हुए अपने करेक्ट आंसर को नीचे जो है चैट सेक्शन में जा करके अपने आंसर को टाइप करके सेंड कीजिए। और आंसर किस प्रकार से लिखना है, केवल ABCD ऐसे मत लिखना। जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आया है उसका क्वेश्चन नंबर लिख करके, वन का ए, सेकेंड क्वेश्चन आया तो टू का बी, थर्ड क्वेश्चन आया तो थर्ड का डी, ऐसे क्वेश्चन नंबर के साथ अपने आंसर को नीचे चैट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो के दौरान आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2024 वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह के साथ ये बुक जो है मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे इस छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2024 की बुक को हमारे मोबाइल ऐप CGBooksKart में भी जाकर के ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CGBooksKart मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। देखिए, मार्केट में अब इसका स्टॉक काफी लिमिटेड है, इसका प्रिंटिंग भी हमने बंद कर दिया है, मुश्किल से मार्केट में इसकी 1000 कॉपी सर्कुलेशन में होगी। तो समय रहते जिसे भी ये बुक चाहिए वो समय रहते इस पुस्तक को ले लीजिएगा। एक बार ये आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद दोबारा ये बुक को प्रिंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर का बुक का स्टॉक लिमिटेड है, तो जिसे भी चाहिए वे इस बुक को जाकर के अपने नज़दीकी बुक डिपो से या हमारे मोबाइल ऐप से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगवा सकते हैं, ठीक। चलिए टॉपिक पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जो हमारी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2024 की बुक है उसके एक पेज में एक जगह पर गलती है, उस गलती को आपको करेक्ट करना है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2024 का पेज नंबर 31, 31 नंबर पेज, जहां पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में छत्तीसगढ़ के जिलों की स्थिति वाला जो टेबल बना हुआ है, उस टेबल में यहां पर ईयर में एक मिस्टेक है, ठीक है, इसे करेक्ट कीजिएगा। देखिए, जहां पर 2019-21 लिखा है और 2015-16 लिखा है, इसे आपस में चेंज करना है, ठीक। जहां पर 19-21 लिखा है उसे कट करके 2015-16 कीजिएगा और जहां पर 15-16 लिखा है उसे कट करके 2019-21 कीजिएगा। ये आपस में इनको चेंज करना है ईयर को, ठीक है। 19-21 के जगह 15-16 और 15-16 के जगह 19-21, ठीक है। इसका करेक्शन मैं वीडियो के दौरान इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है, बहुत से स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो साथ ही साथ इस पेज में दिए गए जो करेक्शन है, ठीक है, इस करेक्शन को कर लीजिएगा। इस आपके छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2024 के पेज नंबर 31 में जो एक टेबल दिया है, केवल इस एक टेबल में ही करेक्शन करना है,
ठीक है, और कहीं पर नहीं करना है, केवल इस एक टेबल पर, पेज नंबर 31 के टेबल पर, जहां पर 2019-21 लिखा है उसके जगह 15-16, और जहां पर 15-16 लिखा है उसके जगह 19-21 करना है, बाकी डाटा सारा का सारा सेम रहेगा, ठीक है। और ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केवल ये आपका पीएससी प्री एग्जाम के लिए नहीं, आगामी और भी बहुत से एग्जाम होंगे उसमें अभी ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इससे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये करेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस करेक्शन को कीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन के दौरान आप अपने आंसर को फटाफट बताते हुए चलिएगा। देखिए लास्ट टाइम ना मैं क्या करता हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हैं उसका एक प्रिंट आउट लेकर के रखता हूँ, ठीक। लास्ट टाइम भी जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं बता रहा था और इसमें देख करके कुछ चीज़ों को आपको बता रहा था, तो बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आपको जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन का आंसर नहीं पता क्या, आप इस पेज में देख करके क्या बता रहे हैं। अरे साल भरे से छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में ही आपको पढ़ा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे पता होते हैं, लेकिन केवल क्वेश्चन का आंसर बताना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे जुड़े हुए जो फैक्ट है, कोई भी एक सिंगल फैक्ट आपका छूट ना जाए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको उस क्वेश्चन का बताऊंगा वो, उसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ती है। बहुत से फैक्ट जो है मुझे याद रहते हैं, लेकिन एक सिंगल फैक्ट भी आपका छूटना नहीं चाहिए, लास्ट टाइम पे आपका पूरा का पूरा रिवाइज होना चाहिए, इसके लिए मुझे इसकी जरूरत है। गिने चुने एक दो स्टूडेंट पिछले साल काफी कमेंट कर रहे थे, इसीलिए अभी क्लियर करना जरूरी है, ठीक। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन फटाफट आंसर दीजिएगा, लगभग 195 क्वेश्चन का सेट है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, फास्ट चीज़ों को बताऊंगा, क्वेश्चन को फास्ट पढ़ूंगा, नीचे दिए गए ऑप्शन को बताऊंगा, ऑप्शन को बताने के दौरान आप फटाफट अपने आंसर को टाइप कीजिएगा, ठीक। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान प्रस्तावित योजना शक्तिपीठ योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। जो प्रदेश में जो नई सरकार बनकर के आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में इस शक्तिपीठ योजना का जिक्र किया था, ठीक है। जो उत्तराखंड की जो चार धाम योजना है उसके तर्ज पर हमारे छत्तीसगढ़ में शक्तिपीठ योजना, माताओं का जो मंदिर है, हमारे प्रदेश में बहुत सी आपके माताओं का मंदिर है, उन मंदिरों को लेकर के आपके शक्तिपीठ योजना की उन्होंने घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से मंदिरों को शामिल किया गया है उसे आपको याद रखना है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा एक मंदिर इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। देखिए ये जो आपकी योजना है ये प्रस्तावित है, अभी ये योजना को लागू नहीं किया गया है, इस पर भी क्रियान्वयन बाकी है, काम किया जाना बाकी है। तो शक्तिपीठ योजना के अंतर्गत कौन सा एक स्थान शामिल नहीं है। ऑप्शन ए महामाया मंदिर रतनपुर, ऑप्शन बी खल्लारी माता मंदिर खल्लारी, ऑप्शन सी दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा, ऑप्शन डी चंद्रहासिनी माता मंदिर शक्ति, ठीक है। फटाफट अपने आंसर को बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका खल्लारी माता मंदिर, ऑप्शन बी खल्लारी। इस शक्तिपीठ योजना के अंतर्गत कुल 5 मंदिरों को शामिल किया गया है। सबसे पहला मंदिर है आपका महामाया माता मंदिर रतनपुर, कलचुरी शासकों के द्वारा, रत्नदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया मंदिर आपका महामाया माता मंदिर। दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा, डंकनी शंखनी नदी के तट पर स्थित दंतेश्वरी माता मंदिर काकती शासकों के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन तीसरा मंदिर है आपका चंद्रहासिनी माता मंदिर शक्ति, ठीक है। चौथा मंदिर है आपका बमलेश्वरी माता मंदिर, हमारे प्रदेश का सबसे फेमस मंदिर बमलेश्वरी माता मंदिर डोंगरगढ़ राजनांदगांव। और पांचवा मंदिर है आपका बागेश्वरी माता या इसे कुदुरगढ़ी माता के नाम से भी जाना जाता है, कुदुरगढ़ी माता मंदिर सूरजपुर, ठीक है। ये 5 मंदिर है, महामाया माता मंदिर रतनपुर, दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा, चंद्रहासिनी माता मंदिर शक्ति, बमलेश्वरी माता मंदिर डोंगरगढ़, और आपके बागेश्वरी या कुदुरगढ़ी माता मंदिर सूरजपुर। इन 5 मंदिरों को शक्तिपीठ योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रदेश के किस वन क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति का वन्य प्राणी भौंकने वाला हिरण बार्किंग डियर, यानी कि ऐसा हिरण जो कि कुत्ते के जैसे भौंक सकता है, किस वन्य क्षेत्र में देखा गया, दुर्लभ प्रजाति का हिरण है। ऑप्शन ए गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी अचानक मार टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी उद्यंती सीतानगरी टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी इंद्रावती टाइगर रिजर्व। नीचे फटाफट अपने आंसर को टाइप कीजिएगा। भौंकने वाला हिरण बार्किंग डियर, ऐसा हिरण जो कि भौंक सकता है, इस हिरण को हिंदी में
हिंदी में इस हिरण को कांकड़ कहा जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग इस भौंकने वाले हिरण को कोटरी नाम से पुकारते हैं। ठीक है, कोटरी नाम से पुकारते हैं। ये हिरण हमारे प्रदेश के उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में देखा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। इस उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में लगभग 200 ऐसे हिरण है, आपके भौंकने वाले हिरण या बार्किंग डियर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसे जो है आपके कांकड़ और स्थानीय लोग इसे कोटरी कह करके पुकारते हैं, भौंकने वाला हिरण। अगर किसी एक स्थान का नाम पूछा जाएगा, यहां तो आपको टाइगर रिजर्व का ऑप्शन दिया गया है, अगर कोई एक स्थान या कोई एक अभ्यारण्य पूछा जाएगा तो आप अपना आंसर लेंगे सीता नदी अभ्यारण्य या सीता नदी वन क्षेत्र में यह भौंकने वाला हिरण देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। प्रदेश सरकार द्वारा श्री रामलला दर्शन योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा, ऑप्शन बी धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंडल द्वारा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा, ऑप्शन डी पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के द्वारा। देखिए, ये जो श्री रामलला दर्शन योजना है इसकी अभी केवल घोषणा की गई है। आप सभी को मालूम है कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रदेश सरकार के द्वारा श्री रामलला दर्शन योजना की घोषणा की गई है, अभी ये लागू हुआ नहीं है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 20,000 लोगों को राम मंदिर का के दर्शन के लिए लेकर प्रदेश सरकार जाएगी। ठीक है, प्रतिवर्ष इसमें 18 से लेकर के 75 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके प्रथम चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रथम चरण फर्स्ट फेस में श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या के राम मंदिर दर्शन के लिए प्रदेश सरकार लेकर के जाएगी। ठीक है, तो इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, अभी घोषणा हुई है, लागू नहीं हुआ है, ये जो आपकी योजना है ये शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सहित कैबिनेट मंत्रियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। ठीक है, तो श्री विष्णुदेव साय सहित यानी कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सहित छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्रियों की कुल संख्या कितनी है? 9, 10, 11, 12। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 12। ध्यान रखिएगा, देखिए अभी मंत्रियों कैबिनेट मंत्रियों की कुल संख्या 12 क्यों है? क्योंकि 91वां संविधान संशोधन 2003 लाया गया था, जिसके तहत किसी भी राज्य में कैबिनेट मंत्रियों की जो कुल संख्या है, कैबिनेट मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो जो आपकी राज्य की जो विधानसभा है, कुल विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन यह संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीट है तो 90 का 15% यानी कि 13.5 राउंड फिगर में कितना होता है? राउंड फिगर में होता है आपका 13। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 13। वर्तमान में कितना है? 12। एक अभी भी खाली है। ठीक है, लेकिन यह संख्या 12 से कम नहीं होगी, इसीलिए छत्तीसगढ़ में 12 मंत्रियों को जो है 12 मंत्रियों में विभागों का बंटवारा किया गया है। मान लीजिए किसी विधानसभा में यानी कि किसी राज्य की विधानसभा में मात्र 40 सीट है, 15% वैसे ही बहुत कम हो जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट 12 कैबिनेट मंत्री बना दिए जाएंगे, क्योंकि कहा गया है कि आपका 15% से कम नहीं होगा लेकिन 12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय सहित कैबिनेट मंत्रियों की कुल संख्या कितनी है? वो है आपके 12। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? श्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री, श्री ब्रिज मोहन अग्रवाल, ठीक है यहां गलत लिखाया है, श्री ब्रिज मोहन अग्रवाल मंत्री, श्री ओम प्रकाश चौधरी मंत्री, ऑप्शन डी है श्री विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री।
छत्तीसगढ़ के वर्तमान के वित्त मंत्री कौन है, वित्त मंत्री जिनके द्वारा बजट पेश किया जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात की जा रही है, ठीक है, फाइनेंशियल मिनिस्टर की बात की जा रही है। तो देखिए, जो विभागों का बंटवारा हुआ है, श्री विष्णुदेव साय सहित टोटल 12 आपके कैबिनेट मंत्री है उनमें विभागों का बंटवारा हुआ है, तो उसमें से वित्त विभाग मिला है आपके ओपी चौधरी जी को, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, श्री ओम प्रकाश चौधरी। अभी तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में वित्त मंत्रालय जो है या वित्त विभाग जो था वो मुख्यमंत्री के पास रहता था, ठीक है, मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग रहता था, लेकिन इस बार ये मुख्यमंत्री के पास नहीं है, इस बार ये मंत्रालय किसके पास है, विभाग किसके पास है, ओम प्रकाश चौधरी के पास, सॉरी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ओपी चौधरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 कैबिनेट मंत्री, सूची 2 आवंटित विभाग को सुमेलित कीजिए। देखिए यहां पर जो है आपके कैबिनेट, एक साइड कैबिनेट मंत्रियों का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ उन्हें आवंटित विभाग दिए गए हैं, इन्हें सुमेलित करना है। जो 12 कैबिनेट मंत्री है और उन्हें जो विभागों का बंटवारा हुआ है, उस विभागों के बंटवारा को अच्छे से याद रखिएगा, सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। देखिए इसको सुमेलित करना है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नीचे आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इसको पढ़ूंगा नहीं, आप इसको सुमेलित कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे देता हूं आपको, ठीक है। अरुण साव, श्री विजय शर्मा, श्री केदार कश्यप और श्री टंक राम वर्मा, और दूसरे तरफ दिया गया विभागों का नाम, गृह और पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण एवं नगरीय प्रशासन, केदार तीसरा है आपका राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, और चौथा है आपका वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा जल संसाधन, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, अरुण साव जो कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, उनके पास है आपका लोक निर्माण एवं नगरीय प्रशासन, ठीक है, जबकि जो दूसरे उप मुख्यमंत्री है श्री विजय शर्मा, उनके पास है गृह और पंचायत एवं ग्रामीण विकास, यानी कि पंचायत विभाग किसके पास है, विजय शर्मा के पास, नगरीय प्रशासन विभाग किसके पास है, अरुण साव के पास, केदार कश्यप जी के पास है आपका वन एवं जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन, जबकि टंकराम वर्मा जी के पास है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, अपना आंसर टाइप करते हुए चलिएगा, प्रैक्टिस होगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में सबसे स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। दूसरा कथन है आपका, स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में छत्तीसगढ़ तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य है। ऑप्शन कथन स, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार स्वच्छतम शहर सूची में इंदौर प्रथम तथा सूरत द्वितीय स्थान पर है। कथन द, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत की सबसे स्वच्छतम राजधानी भोपाल है। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब नीचे देखिए, सही कथन का चयन कीजिए, ऑप्शन ए अ और स, ऑप्शन बी ब और द, ऑप्शन सी अ ब और स, ऑप्शन डी अ ब स और द, यानी कि चारों कथन सही है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप कथन पढ़िए, कौन कौन से कथन सही है उसको अच्छे से देख लीजिए और अपना आंसर नीचे फटाक से बताइए, ठीक। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में सबसे स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ, यह गलत है, क्योंकि जैसे ही आपके स्वच्छता रैंकिंग आती है ना, तो माइंड में पहला आता है इंदौर शहर, और इंदौर शहर से हम सोचते हैं कि सबसे स्वच्छतम राज्य का जो पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश को ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार मिला है आपके महाराष्ट्र को। तो पहला कथन क्या है, गलत। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ तीसरा सबसे स्वच्छतम राज्य है, यह कथन क्या है, यह कथन है सही। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार स्वच्छतम शहर की सूची में इंदौर प्रथम तथा सूरत को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, यह कथन क्या होगा, यह कथन होगा गलत, क्योंकि इंदौर को प्रथम और सूरत भी प्रथम स्थान पर है। इस बार फर्स्ट रैंकिंग में इंदौर और सूरत दोनों एक साथ है, सेकंड रैंकिंग पे कोई भी शहर नहीं है, ठीक है।
उसके बाद है आपका कथन द स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छतम राजधानी भोपाल है, तो ये कथन होगा आपका सही। तो कौन कौन सा कथन सही है? ब और द सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ब और द। ठीक, किसका आंसर सही हुआ है देखिए अपना आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। गार्बेज फ्री सिटी 2022-23 के अनुसार प्रदेश का गार्बेज फ्री शहर नगर निगम कौन सा है? ऑप्शन ए अंबिकापुर, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी महासमुंद। ठीक है, फटाफट अपना आंसर बताइए। गार्बेज फ्री सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का गार्बेज फ्री शहर या नगर निगम कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका रायपुर। बहुत से लोग लगाएंगे अंबिकापुर, क्योंकि अंबिकापुर में देश का पहला गार्बेज कैफे खोला गया था, लेकिन यहां पर गार्बेज फ्री सर्वेक्षण 2022-23 की बात की जा रही है। ठीक है, देश का पहला गार्बेज कैफे कहां पर है? पहला गार्बेज कैफे है आपका अंबिकापुर नगर निगम में, लेकिन इस बार आपके 2022-23 में गार्बेज फ्री सर्वेक्षण में रायपुर जो है आपका गार्बेज फ्री शहर बना है, जिसे 5 स्टार की रेटिंग भी मिली है। इंपॉर्टेंट है, अंबिकापुर देख करके अपना आंसर मत मार देना, क्योंकि गार्बेज कैफे कहां पर है? अंबिकापुर में, लेकिन यहां पे सर्वेक्षण की बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में प्रदेश के किस शहर को वाटर सरप्लस श्रेणी पर रखा गया है? ठीक है, ऑप्शन ए पाटन, ऑप्शन बी बालोद, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी महासमुंद। फटाफट अपना आंसर बताइए। वाटर सरप्लस श्रेणी, ठीक है, इसमें किस शहर को रखा गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका रायपुर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका रायपुर। ऑलरेडी देश में 14 शहर पहले से ही, देश के 14 शहर जो है इस वाटर सरप्लस श्रेणी में शामिल थे। 15वां शहर बन गया है हमारा रायपुर, रायपुर जिसे इस वाटर सरप्लस श्रेणी पर रखा गया है। इस रैंक को भी याद रखिएगा, हमारा छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है, ये रायपुर वाटर सरप्लस श्रेणी में 15वां आपका शामिल शहर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय कुमार अग्रवाल, ऑप्शन बी रविंद्र श्रीवास्तव, ऑप्शन सी प्रफुल्ल भारत, ऑप्शन डी सतीश चंद्र शर्मा। ठीक है, फटाफट अपने आंसर को बताइएगा। महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ राज्य का महाधिवक्ता किन्हें नियुक्त किया गया है? महाधिवक्ता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल कहा जाता है, जो कि आपके राज्य में कानून का वरिष्ठ अधिकारी होता है। ठीक है, राज्य में कानून का वरिष्ठ अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के पद के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का महाधिवक्ता किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रफुल्ल भारत। ठीक है, आपके प्रफुल्ल भारत जी को छत्तीसगढ़ राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। सतीश चंद्र शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। वर्तमान में कौन है? प्रफुल्ल भारत जो है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न क्रमांक 11। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के विज्ञानियों ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए धान की नवीन औषधीय किस्म विकसित की है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कैंसर कोशिकाओं की रोकथाम में उपयोगी पाई गई है का नाम है। ठीक है, धान की प्रजाति का नाम जो कि विकसित किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा, जो कि आपके कैंसर कोशिकाओं की रोकथाम के लिए भी उपयोगी है, तो उस धान की प्रजाति का नाम क्या है? ऑप्शन ए भाव्या, ऑप्शन बी संजीवनी, ऑप्शन सी जीराफुल, ऑप्शन डी है आपका देवभोग। फटाफट अपने आंसर को बताइएगा। ठीक है, देखिए
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संजीवनी। संजीवनी धान की एक नई प्रजाति है जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के विज्ञानियों के द्वारा एक धान की नवीन औषधीय किस्म विकसित की गई है। क्या नाम है? संजीवनी इस किस्म का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। प्रतिवर्ष बहुरूपिया महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है, प्रतिवर्ष किस स्थान पर बहुरूपिया महोत्सव का आयोजन किया जाता है? नाम से स्पष्ट है बहुरूपिया, ठीक है, यानी कि अपना वेश, अलग अलग वेशभूषा पहन करके सड़क पर एक रैली निकलती है। ऑप्शन ए मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, ऑप्शन बी सरगुजा जिला, ऑप्शन सी कोरबा जिला, ऑप्शन डी बिलासपुर जिला। फटाफट अपना आंसर बताइएगा। इसमें अलग अलग प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं, कोई जो है हनुमान जी का गेटअप लेकर के आता है, कोई जो है जब आपका वर्ष 2020 में कोरोना फैला था तो कोई कोरोना वायरस का गेटअप लेकर के सड़क पर उतरा था। तो यह है बहुरूपिया महोत्सव, हर साल जो है आपके 31 दिसंबर, यानी कि जब साल का आखिरी दिन रहता है, एक दो दिन तक ये चलता है, 31 दिसंबर से ये शुरू होता है आपका बहुरूपिया महोत्सव, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में प्रतिवर्ष बहुरूपिया महोत्सव का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 13। नई दिल्ली राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस के परेड में छत्तीसगढ़ की किस झांकी को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, ऑप्शन बी धनकुल एवं परंपरागत वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी कर्मा नृत्य और बस्तर दशहरा, ऑप्शन डी मुरिया दरबार और लिमऊ राजा, ठीक। हर साल गणतंत्र दिवस के परेड में आपकी छत्तीसगढ़ से एक ना एक झांकी उसमें शामिल होती है। देखिए झांकी तो जो है झांकी का विषय वस्तु और उसका मॉडल तैयार पहले कर दिया जाता है, लेकिन ये शॉर्टलिस्ट होगा या नहीं ये बाद में पता चलता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, पहले इसका आंसर देख लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मुरिया दरबार और आपका लिमऊ राजा, ठीक है। मुरिया दरबार और लिमऊ राजा इसका करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। मुरिया दरबार और लिमऊ राजा। देखिए अगर हम बात करें तो वर्ष दो, ये जो आपका छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना है, वर्ष 2022 में इसे गणतंत्र दिवस की झांकी के लिए एक मॉडल बनाया गया था, लेकिन ये शामिल नहीं हो पाया था। ये जो आपका धनकुल एवं परंपरागत वाद्य यंत्र है, ये 2021 में यह झांकी गणतंत्र दिवस के परेड के लिए भेजी गई थी, और वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ी पारंपरिक शिल्प एवं आभूषण, ये झांकी भेजी गई थी। इस बार भेजा जा रहा है मुरिया दरबार और लिमऊ राजा, ठीक है। मुरिया दरबार जो बस्तर दशहरा का जो आयोजन होता है, बस्तर दशहरा के अंतिम दिन पर मुरिया दरबार भरता है, जिसमें राजा बैठ करके जनजाति यानी कि आदिवासियों की समस्याओं को सुन करके उनका निराकरण करते हैं। बस्तर दशहरा के आखिरी दिन पर मुरिया दरबार का आयोजन होता है। और जो लिमऊ राजा है, लिमऊ राजा का संबंध कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर क्षेत्र से है, ठीक है। कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर क्षेत्र से है। इसका पूरा का पूरा डिटेल हम करेंगे जो आपका फरवरी के महीने में, जनवरी महीने का करंट अफेयर का जो वीडियो आएगा हमारा, लॉन्ग वीडियो, उसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी याद रखिएगा कि ये जो है आपका बड़े डोंगर का, कोंडागांव जिले के बड़े डोंगर से लिमऊ राजा का संबंध है, मुरिया राजा का संबंध बस्तर दशहरे से संबंधित है, ठीक है। और ये जो मुरिया दरबार है, इसे आदिम जन संसद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यानी कि आदिवासियों का जन संसद। और इस बार का जो आपका गणतंत्र दिवस की जो थीम है वो है भारत लोकतंत्र की जननी, ठीक है। जो गणतंत्र दिवस जो 2024 है, इसका थीम क्या है? भारत लोकतंत्र की जननी। इस थीम को भी याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देऊर गांव और मटनार बैराज किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी शिवनाथ नदी, ऑप्शन सी हसदेव नदी, ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। ये प्रस्तावित बैराज है, ठीक है। देवरगांव और मटनार बैराज किस नदी पर प्रस्तावित है पूछा जाएगा, तो अपना आंसर फटाफट बताइए। ए महानदी, बी शिवनाथ नदी, सी हसदेव नदी, डी इंद्रावती नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये होगा आपका इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर जो है ये आपका बैराज प्रस्तावित है, देवरगांव और आपका मटनार बैराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 15, सिल्हारी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कबीरधाम, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, ऑप्शन डी आपका जशपुर। सिल्हारी जलप्रपात, सिल्हारी जलप्रपात किस जिले पर स्थित है पूछा जाए तो ये किस जिले में स्थित है, ये स्थित है आपके रायगढ़ जिले में, ऑप्शन बी। ठीक है, रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिले में 105 फीट ऊंचा एक जलप्रपात है जो कि धरम जयगढ़ वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, नया जलप्रपात है, नया नाम आप पढ़ रहे होंगे, जो स्थानीय लोग हैं वो इस नाम से परिचित है, तो याद रखिएगा सिल्हारी जलप्रपात किस जिले में है, तो ये है आपका रायगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञानेश्वरी यादव का संबंध किस खेल से है? ज्ञानेश्वरी यादव का संबंध किस खेल से है? मलखंब, ऑप्शन ए मलखंब, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन डी भारोत्तोलन। ठीक है, ज्ञानेश्वरी यादव हमारे छत्तीसगढ़ की स्टार प्लेयर है, ये इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए मलखंब, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी मुक्केबाजी, ऑप्शन डी भारोत्तोलन। ठीक है, इन्हें प्रदेश सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में ASI का पद भी दिया गया है। ठीक, ये खेलो इंडिया गेम्स में पुरस्कार आपके पा चुकी है। ठीक है, ग्रीन्स में हुए जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी इन्होंने पदक जीता हुआ है। तो इनका संबंध किस खेल से पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका भारोत्तोलन। ठीक है, भारोत्तोलन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनका संबंध भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग, इंग्लिश में कहा जाता है वेट लिफ्टिंग, हिंदी में क्या कहा जाता है भारोत्तोलन। ठीक है, आप में से बहुत से लोग केवल वेट लिफ्टिंग करके जानते होंगे, हिंदी में वेट लिफ्टिंग को कहा जाता है भारोत्तोलन। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, महासमुंद जिले में स्थित नागार्जुन गुफा का संबंध किस धर्म से है? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। देखिए, जो आपका महासमुंद जिले के सिरपुर वाले क्षेत्र में एक नागार्जुन गुफा है, ये नागार्जुन गुफा सिंह ध्रुवा पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, इस गुफा की कार्बन डेटिंग के माध्यम से आयु पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो आपका महासमुंद जिले में स्थित जो नागार्जुन गुफा, इसका संबंध किस धर्म से पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका संबंध है आपके बौद्ध धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, सिंघा ध्रुवा की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, ए गरियाबंद, बी महासमुंद, सी सारंगढ़ बिलाईगढ़ और डी है आपका जांजगीर चांपा। इसका आंसर आपको पता होगा, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, महासमुंद जिले में स्थित है सिंघा ध्रुवा की पहाड़ी, जहां पर आपका नागार्जुन गुफा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिरपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में पुरातात्विक स्थलों के सर्वेक्षण तथा उत्खनन हेतु सिरपुर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कब किया गया? 12 नवंबर 2011, 20 जुलाई 2013, 14 अगस्त 2014 या फिर आपका 4 अप्रैल 2015। सिरपुर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट, इसका गठन कब किया गया पूछा जाए। देखिए, सिरपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हमारे छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है आपका सिरपुर, तो सिरपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में उत्खनन करने के लिए सिरपुर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। कब किया गया पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 4 जुलाई 2015 को सिरपुर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। इसे राज्य शासन के द्वारा प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है उत्खनन कार्य और उसके रिसर्च के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2023-24 में सिरपुर स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 2 करोड़, ऑप्शन सी 3 करोड़, ऑप्शन डी 5 करोड़। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 5 करोड़, छत्तीसगढ़ बजट 2023-24। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, थगड़ा बांध किस जिले में स्थित है? थगड़ा बांध, ऑप्शन ए बालोद, ऑप्शन बी आपका दुर्ग जिला, ऑप्शन सी बेमेतरा जिला, ऑप्शन डी कवर्धा जिला। इस साल जो है ये थगड़ा बांध काफी हाईलाइट में रहा, ये जो थगड़ा बांध है ये किस जिले में है पूछा जा रहा है, फटाफट अपने आंसर को नीचे टाइप कीजिएगा। देखिए,
इसका आंसर होगा आपका दुर्ग जिला। दुर्ग जिले में जो है आपका तगड़ा बांध स्थित है। दुर्ग जिले का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क अभी जो है आपके तगड़ा बांध के आसपास तालपुरी वाले क्षेत्र में बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे सिरपुर संग्रहालय की मंजूश्री प्रतिमा का संबंध है, ऑप्शन ए बोधिसत्व से, ऑप्शन बी सक्रिदागामी से, ऑप्शन सी भावाग्र से, ऑप्शन डी अरहत से। ठीक है, मंजूश्री की प्रतिमा का संबंध किस धर्म से पूछा जाए, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है आपकी मंजूश्री की प्रतिमा। मंजूश्री की प्रतिमा जो है ये 7वीं से 8वीं शताब्दी के आसपास की है, 7वीं से 8वीं शताब्दी या सदी के आसपास की यह प्रतिमा है, जो हमारे देश की जो वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, जब वो छत्तीसगढ़ प्रवास में आई थी 31 अगस्त और 1 सितंबर को, तब उनके आने के समय में इस ये जो आपकी प्रतिमा है इसे गुरु घासीदास संग्रहालय से इसे बाहर निकाला गया था। ठीक है, मंजूश्री प्रतिमा का जो संबंध है ये बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। इस प्रतिमा का जो प्रतीक है, ये प्रतिमा जो है ये शिक्षा का उजाला फैलाने वाले का प्रतीक है। ठीक है, ये जो आपकी प्रतिमा है, पूरा करंट अफेयर के बुक में इसके बारे में मैंने डिटेल लिखा हुआ है, प्रकाश का उजाला फैलाने का प्रतीक है आपकी मंजूश्री की प्रतिमा। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है आपके बोधिसत्व से। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, राजा जगतपाल का टीला कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए सिरपुर, ऑप्शन बी पचराही, ऑप्शन सी बालम घाटी, ऑप्शन डी तरी घाट। तो राजा जगतपाल का टीला ये मौजूद है आपके तरी घाट वाले क्षेत्र में, ऑप्शन डी, लगभग 2500 साल पुराना टीला है आपके राजा जगतपाल का टीला। कहाँ पर स्थित है, तरी घाट वाले क्षेत्र में स्थित है आपका राजा जगतपाल का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल पर कच्ची मिट्टी और हाथी के दांत से तैयार चौकोर और पासे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सिरपुर, ऑप्शन बी तरीघाट, ऑप्शन सी आरंग, ऑप्शन डी बानाबरद। यहाँ पे बात हो रही है चौकोर और आपके पासा, यानी कि शतरंज के पासे की, जो आपका ये डाइस होता है। ठीक है, ये डाइस ऐसे टाइप का अंक जिसमें लिखे होते हैं। ठीक है, इसका इमेज ही मैंने शेयर किया हुआ है करंट अफेयर की बुक में। तो ये जो आपका पासा और चौकोर के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए पूछा जाए, तो ये प्राप्त हुआ है आपके पुरातात्विक स्थल तरी घाट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को खारून नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए नासिया, ऑप्शन बी नकपुरा, ऑप्शन सी तरी घाट, ऑप्शन डी जमराव। ठीक है, खारून नदी घाटी सभ्यता, जैसे कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, वैसे ही हमारे प्रदेश में मौजूद है एक खारून नदी घाटी सभ्यता। ये जो है ये सभ्यता, ये इस सभ्यता के नाम से किस स्थान को जाना जाता है पूछा जाए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका तरी घाट। ठीक है, तरी घाट जो कि खारून नदी के तट पर स्थित है, नासिया तीर्थ जो कि जैन धर्म का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो कि शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नकपुरा ये भी जैन धर्म का प्रमुख आपका धार्मिक स्थल है, ये भी आपके शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। तरी घाट जो कि खारून नदी के तट पर स्थित है, एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, इसे खारून नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, आलोर गुफा किस जिले में स्थित है, ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी कोंडागांव, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी बीजापुर। फटाफट अपना आंसर लिखिए। ये जो आलोर गुफा है, इस आलोर गुफा में लिंगेश्वरी माता का मंदिर है, लिंगेश्वरी माता का मंदिर जो कि भाद्र शुक्ल पक्ष नवमी के बाद आने वाले पहले बुधवार को इस गुफा का द्वार खोला जाता है। लिंगेश्वरी, यहां पर जो है एक शिवलिंग है, शिवलिंग भगवान शिव जो कि स्त्री स्वरूप में विराजमान है। यहां पे खीरे का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो निसंतान दंपत्ति है वो खीरे का प्रसाद लेकर के साल में एक बार खुलने वाले आलोर गुफा में जाकर के लिंगेश्वरी माता का दर्शन करते हैं।
किस जिले में स्थित है पूछा जाए तो ये मौजूद है आपके कोंडागांव जिले में स्थित है आलोर गुफा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, राज्य संरक्षित पाषाण महापाषाणकालीन स्मारक गामावाड़ा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी आपका ऑप्शन बी नारायणपुर, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी है आपका कोंडागांव। तो ये राज्य संरक्षित स्मारक गामावाड़ा किस जिले में स्थित है पूछा जाए तो ये मौजूद है आपके दंतेवाड़ा जिले में स्थित है आपका गामावाड़ा। ठीक है, गामावाड़ा क्या है, ये एक प्रकार का जो है आपका महापाषाणकालीन स्मारक, जो कि आप इसे मृतक स्तंभ समझ सकते हैं। दंतेवाड़ा क्षेत्र में बहुत से स्थान पर ये गामावाड़ा मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, गायता जोहारनी किस अंचल का प्रमुख पर्व है? ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी भरतपुर सोनहत क्षेत्र। गायता जोहरानी पर्व जो कि नवाखाई पर्व के बाद, नवाखाई पर्व के बाद प्रत्येक विकासखंड में मनाया जाता है। ठीक है, ये जो आपका ये जो पर्व है ये अच्छी फसल की पैदावार और सुख समृद्धि की कामना के लिए इस गायता जोहारनी पर्व को मनाया जाता है। किस क्षेत्र में मनाया जाता है पूछा जाए तो बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है ये गायता जोहारनी पर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, रामायणकालीन अत्रिमुनि ऋषि अत्रिमुनि का आश्रम सीतामढ़ी गुफा किस जिले में स्थित है? देखिए, ये जो आपका सीतामढ़ी गुफा है ये भी रामायणकालीन स्थल है। पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी सूरजपुर, ऑप्शन सी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ऑप्शन डी सरगुजा। जो अत्रिमुनि का आश्रम है सीतामढ़ी की गुफा, ये भी एक रामायणकालीन स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता अत्रिमुनि ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कोरबा। सीतामढ़ी गुफा पूछेगा तो कोरबा, और सीतामढ़ी हर चौका पूछेगा हर चौका तो आएगा आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। ठीक है, ध्यान देना, ये सीतामढ़ी गुफा है जहां पे अत्रिमुनि ऋषि का आश्रम है। ठीक है, यहां पे एक प्रतिमा है जिसमें बीच में अत्रिमुनि ऋषि और दोनों तरफ जो है भगवान श्री राम और लक्ष्मण की प्रतिमा यहां पर मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, नरसिंह गंगा गुफा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गरियाबंद, ऑप्शन बी महासमुंद, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी कोरबा। ठीक है, तो ये नरसिंह गंगा की जो ये जो नरसिंह गंगा गुफा है यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। यहां पे भगवान नरसिंह की प्रतिमा भी है, यहां पे नरसिंह गंगा नामक एक झरना भी है। ऐसे मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई पाप है या उसने कोई पाप किया हुआ है तो उसके ऊपर इस झरने का एक भी पानी नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे स्थानीय लोग मानते हैं। तो नरसिंह गंगा की गुफा कहां पर स्थित है पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कोरबा। कोरबा में एक जगह है जिसका नाम है चैतमा कोरबा नामक स्थान पर एक पहाड़ी है पलमा पहाड़ी जहां पर मौजूद है आपका नरसिंह गंगा की गुफा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, चोड़ी घाट बस्तर में संगम है। ठीक है, बस्तर में एक स्थान है जिसका नाम है चोड़ी घाट, यहां पर संगम है। ऑप्शन ए इंद्रावती नारंगी सुरानी नदी का, इंद्रावती बोर्डिंग मैनी नदी का, ऑप्शन सी इंद्रावती मारकंडी और आंजर नाले का, ऑप्शन डी है इंद्रावती झिंग और तालपेरू का। देखिए, ये जो चोड़ी घाट है, इस चोड़ी घाट को बस्तर का प्रयाग भी कहा जाता है। ठीक है, बस्तर का प्रयाग, आप फटाफट अपना आंसर बताइए। प्रयाग, बस्तर एवं आसपास के क्षेत्र के लोग जो भी धार्मिक कर्म करने होते हैं या फिर मृतक संस्कार के बाद जो अस्थि विसर्जन करना होता है उसके लिए चोड़ी घाट नामक स्थान पर पहुंचते हैं। इस स्थान को काफी पवित्र माना गया है और यहां पर इंद्रावती मारकंडी और आंजर नाले का संगम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चोड़ी घाट कहां पर मौजूद है, बस्तर में स्थित है जहां पर इंद्रावती मारकंडी और आंजर नाले का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन गड़िया शिवालय शिव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन ए कलचुरी, ऑप्शन बी छिंदक नागवंश, ऑप्शन सी कांकतीय वंश, ऑप्शन डी है आपका पांडु वंश। फटाफट अपना आंसर बताइए, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश 1097 ईस्वी के आसपास, ठीक है, इसका निर्माण जो है राजभूषण सोमेश्वर के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। राजभूषण सोमेश्वर
के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इस आपके मंदिर के बाहर एक कन्नड़ भाषा का, ठीक है, जो साउथ इंडियन की भाषा है, कन्नड़ भाषा का यहाँ पे एक शिलालेख भी मौजूद है। उस शिलालेख में उस मंदिर निर्माण के लिए दिए गए दानदाता, जो दान किए गए हैं, उन दानदाताओं की सूची उसमें शामिल है, ठीक है, उसमें आपके शिलालेख में लिखा हुआ, जिसे कुछ उपद्रवियों के द्वारा तोड़ दिया गया है। तो गड़िया शिवालय कहाँ पर स्थित है पूछा जाए, तो ये जो गड़िया शिवालय है, ये गड़िया शिवालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया पूछा जाए, तो छिंदक नागवंशी शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, छठवीं शताब्दी का देउल केवटीन मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी सारंगढ़ बिलाईगढ़, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी मुंगेली, ठीक है। छठवीं शताब्दी का आपका देउल केवटीन मंदिर किस जिले में स्थित है? हमारे प्रदेश का सबसे प्राचीन मंदिर ये मौजूद है आपके सारंगढ़ बिलाईगढ़ क्षेत्र में स्थित है। छठवीं शताब्दी का मंदिर जो कि प्राचीन ईंटों से निर्मित और नागर शैली में निर्मित मंदिर है केवटीन का मंदिर। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नवगठित जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 39, ऑप्शन डी आपका 51 सीट, 10, 29, 39, 51, जल्दी बताइएगा। यहां पे क्या पूछा जा रहा है, आरक्षित सीटों की संख्या पूछी जा रही है। तो ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ में जो आपके विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या एसटी, एससी और एक है आपका अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड सीट की संख्या कितनी है 51, एससी सीट की संख्या कितनी है 10, एसटी सीट की संख्या कितनी है 29, ठीक है। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, आरक्षित सीटों की संख्या, ये क्या है अनरिजर्व्ड यानी कि अनारक्षित, आरक्षित सीट कितने होंगे 29 प्लस 10 39, तो आरक्षित सीट पूछेगा तो 39, 39 सीट बोलना है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बोलेगा तो 29, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित बोलेगा तो 10 सीट आपको लेना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके अपने आंसर को लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,60,240 थी। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक थी। प्रदेश में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,60,955 थी। प्रदेश में तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 1,000 से अधिक थी। फटाफट चारों कथनों को पढ़िए, फिर उसके आगे मैं आपको उसका ऑप्शन बताऊंगा, ठीक है। देखिए फटाफट देखिए इसको, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,60,240, महिलाओं की अपेक्षा पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक, दिव्यांगजन मतदाताओं की संख्या 1,60,955 और प्रदेश में तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या कितनी है 1,000 से अधिक है, ये चार कथन दिए गए हैं। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि सही कथन, सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 2, 3 और 4, करेक्ट आंसर का चयन कीजिए। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,60,240 है, ये करेक्ट है, ठीक है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक है, ये गलत होगा, क्योंकि मेल, ठीक है, मेल और फीमेल की अगर बात की जाए तो देखिए मेल मतदाताओं की जो संख्या है वो थी आपकी 1,01,00,000 प्लस, जबकि फीमेल मतदाताओं की संख्या थी 1,02,00,000 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर पुरुषों की से ज़्यादा महिला मतदाताओं की संख्या थी, तो ये कथन जो दो है ये गलत होगा। प्रदेश में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1,60,955 थी, ये कथन सही है। ऑप्शन डी है, प्रदेश में तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 1,000 से अधिक थी। तृतीय लिंग यानी कि आपका जो ट्रांसजेंडर की बात की जा रही है, ठीक है, थर्ड जेंडर की बात की जा रही है, तो उनकी जो संख्या थी, उनकी संख्या थी 790, तो ये कथन होगा आपका गलत। तो सही उत्तर का चयन कीजिए पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 1 और 3, ये वाला इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 दो चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण 20 सीट पर तथा द्वितीय चरण 70 सीट पर मतदान हुए। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में मतदान 10 नवंबर और 17 नवंबर को निर्धारित हुए, ठीक है। प्रथम चरण की तिथि 10 नवंबर और द्वितीय चरण, यहाँ पर लिख लीजिएगा द्वितीय चरण, ठीक है, द्वितीय चरण के मतदान 17 नवंबर को निर्धारित की गई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम 3 दिसंबर 2023 को जारी किए गए। चार कथन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कि सही कथन का चयन कीजिए पूछा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में दो चरण में मतदान हुए, ये कथन सही है। प्रथम चरण में
20 सीटों पर और द्वितीय चरण पर 70 सीटों पर मतदान हुए, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के मतदान की तिथि 10 नवंबर, ये गलत है, 7 नवंबर को था और द्वितीय चरण 17 नवंबर को था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम जो है ये आपके 3 दिसंबर को जारी हुए, तो केवल आपका तीसरा गलत है। तो सही क्या होगा, 1, 2 और 4, ठीक है, 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, इसमें सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। छत्तीसगढ़ सहित टोटल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए अभी हाल ही में। तो देखिए, एक तरफ राज्यों की सूची दी गई है और दूसरी तरफ जो है मतदान की तिथि दी गई है। तो फटाफट अपना आंसर को बताइएगा, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना। दूसरी तरफ चुनाव की तिथि है 7 नवंबर 2023, दूसरा है आपका 17 नवंबर 2023, तीसरा है 25 नवंबर 2023 और चौथा है 30 नवंबर 2023, ठीक है। तो फटाफट अपने नीचे यहाँ पे आंसर देख लीजिए अपना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक। देखिए, अगर इसको सुमेलित करना है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है, एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं, सबसे पहले है राजस्थान। राजस्थान में जो चुनाव हुआ था ये हुआ था आपका 25 नवंबर को, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जब द्वितीय चरण के चुनाव थे उस समय मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, यानी कि आपका 17 नवंबर को। तेलंगाना में हुआ आपके 30 नवंबर को, जबकि मिजोरम में हुआ आपका 7 नवंबर को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी 3, 2, 1, 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म राज्य और कुल विधानसभा सीट सुमेलित नहीं है। राजस्थान 200 सीट, मिजोरम 40 सीट, तेलंगाना 120 सीट और मध्य प्रदेश 230 सीट। हाल ही में इन राज्यों में चुनाव हुए, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, कुल विधानसभा सीट, ठीक है। देखिए, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है, तो ये राज्य और वहां की कुल विधानसभा सीटों की संख्या भी आपको याद रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना में 119 सीटों पर चुनाव हुए। अब यहां पर ये मत बोलना कि राजस्थान में 199 सीट पर चुनाव हुआ, देखिए यहां चुनाव हुआ नहीं पूछा जा रहा है, यहां पर कुल सीट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां है आपका तेलंगाना, तेलंगाना में 119 सीटों पर आपके तेलंगाना में कुल आपके 119 सीट थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का शुभंकर डैश को बनाया गया था, एक बायसन को, एक चिड़िया को, एक बछड़े को, एक बाघ को, फटाफट अपना आंसर बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, एक चिड़िया को, शुभंकर जिसे नाम दिया गया चुनई चिरई, इस शुभंकर को नाम दिया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। विधानसभा चुनाव से संबंधित सी विजिल ऐप का संबंध है प्रत्याशी नामांकन फॉर्म और एफिडेविट ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण से, आचार संहिता उल्लंघन संबंधित शिकायत से, मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं विलोपित या संशोधित करने के संबंध के आवेदन के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फटाफट अपना आंसर बताइए, कौन सा आंसर होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये, ठीक है, आचार संहिता उल्लंघन संबंधित शिकायत हेतु सी विजिल ऐप का संबंध है, ठीक है। इस ऐप का संबंध आचार संहिता का, अगर कोई पार्टी उल्लंघन करती है तो उसका शिकायत सी विजिल ऐप में जाकर के किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म राज्य और नव नियुक्त मुख्यमंत्री सुमेलित नहीं है। मिजोरम श्री तावंगलुई, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और मुख्यमंत्री का युग्म सुमेलित नहीं है, फटाफट अपना आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मिजोरम श्री तावंगलुई, क्योंकि यहां पर जो है मिजोरम के मुख्यमंत्री है लाल दुहोमा, ये मुख्यमंत्री का नाम है, जो कि जोरम पीपुल्स मूवमेंट
पार्टी से संबंधित है। यहाँ पे जोरम पीपुल्स पार्टी करके आएगा, जोरम्स पार्टी मूवमेंट ऐसे ऑप्शन दिया जाएगा, मीजो पीपुल्स मूवमेंट करके दिया जाएगा। तो किस पार्टी से संबंधित है? जोरम पीपुल्स मूवमेंट से संबंधित है आपके श्री लाल दुहोमा, जो कि मिजोरम के मुख्यमंत्री है। तो ये युग्म जो है सुमिलित नहीं है, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए? यानी कि यहाँ पर जो है आपका प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों को लेकर के बात की जा रही है। तो यहाँ पर कुल मतदान दोनों चरण को मिलाकर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए? ऑप्शन ए 76.47, ऑप्शन बी 76.31, ऑप्शन सी 75.88, ऑप्शन डी 75.33। फटाफट अपना आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 76.31%। छत्तीसगढ़ में कुल मतदान का प्रतिशत कितना रहा? 76.31%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी GGP द्वारा विजयी एकमात्र विधानसभा सीट है? ऑप्शन ए बेलतरा, ऑप्शन बी धरमजयगढ़, ऑप्शन सी पाली तानाखार, ऑप्शन डी कटघोरा। कौन सा जो सीट है वो जीता गया आपके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा? फटाफट अपना आंसर बताइए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिसका गठन 1991 में किया गया, इसका मुख्यालय आपके कोरबा जिले में है, कोरबा जिले में इसका मुख्यालय है। हीरालाल मरकाम जी जो है इनके द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था। वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष है वो है आपके तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी। ठीक है, तो ये जो है आपके ताली नाखार सीट से विजयी हुए, इस सीट पे विधायक चुने गए आपके तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 44। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक और न्यूनतम मतदान विधानसभा क्षेत्र का सही युग्म है? ऑप्शन ए कुरुद बीजापुर, ऑप्शन बी सिहावा रायपुर नगर उत्तर, ऑप्शन सी खरसिया और रायपुर नगर पश्चिम, ऑप्शन डी पाटन और दंतेवाड़ा। फटाफट अपना आंसर बताइए। विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वाधिक और न्यूनतम मतदान किस विधानसभा क्षेत्र में हुए, उसका युग्म बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके कुरुद और बीजापुर। ठीक है, ऑप्शन ए कुरुद और बीजापुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए छड़ी, ऑप्शन बी आरी, ऑप्शन सी बाघ और हाथी, ऑप्शन डी धान की बालियां। फटाफट अपना आंसर बताइए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिसके वर्तमान अध्यक्ष है तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी, इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है आरी। ठीक है, सौ जो हेक्सा आता है, ठीक है, काटने के लिए, वो आरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश में कुल कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 900, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 900, ऑप्शन डी 1200। फटाफट अपना आंसर बताइए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश में कुल कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 90 विधानसभा सीट में, प्रत्येक विधानसभा सीट में 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए, तो टोटल कितना हो गया? 900। ठीक है, इस पर हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। फटाफट चलते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के सभी मतदान केंद्रों में बुजुर्ग और दिव्यांगजन मतदाताओं की सहायता हेतु डैश आवश्यक सहयोग हेतु होंगे किन्हें बनाया गया था? ऑप्शन ए चुनई मितान, ऑप्शन बी मतदान मित्र, ऑप्शन सी मतदान संगवारी, ऑप्शन डी मतदाता मितान। यानी कि बुजुर्गों की और दिव्यांगजनों की सहायता के लिए बनाए गए थे जो है, ये कौन है? फटाफट उसका नाम बताइए, उन्हें क्या नाम दिया गया था? चुनाई मितान, मतदान मित्र, मतदाता संगवारी, मतदाता मितान। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मतदाता मित्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए मनेन्द्रगढ़, ऑप्शन बी बैकुंठपुर, ऑप्शन सी भरतपुर सोनहत, ऑप्शन डी प्रेम नगर। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये जो आपका मतदान केंद्र है सेराडांड, ये हमारे प्रदेश का सबसे छोटा मतदान केंद्र और देश का दूसरा सबसे छोटा मतदान केंद्र है। ये किस विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका भरतपुर सोनहत विधानसभा सीट के अंतर्गत, जहां पे कुल 5 मतदाता है, 5 मतदाता में से 3 आपके मेल और 2 आपके फीमेल है।
ठीक है, जिसमें जो है आपके 3 पुरुष और 2 महिला मतदाता है, 5 आपके यहाँ पे कुल मतदाता है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र है आपका सेराडांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव संबंधी सुविधा ऐप का संबंध है, ऑप्शन ए प्रत्याशी नामांकन फॉर्म और एफिडेविट ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी आचार संहिता उल्लंघन संबंधित शिकायत हेतु, ऑप्शन सी मतदाता सूची में नाम जोड़ने विलोपित या संशोधित करने के लिए आवेदन हेतु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फटाफट अपना आंसर बताइए। यहाँ पे सुविधा ऐप की बात की जा रही है विधानसभा चुनाव से संबंधित। देखिए, ये जो सुविधा ऐप है, ये सुविधा ऐप आपका प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म और एफिडेविट ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण से था, यानी कि जो प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं वो अपना ऑनलाइन नामांकन भर सकते थे इस ऐप के माध्यम से, और एफिडेविट का जो है ऑनलाइन प्रस्तुत भी कर सकते थे। तो इसका संबंध किससे था? आपका नामांकन फॉर्म और एफिडेविट प्रस्तुतिकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा चुनाव के प्रोटेम स्पीकर किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए बृजमोहन अग्रवाल, ऑप्शन बी अजय चंद्राकर, ऑप्शन सी भैयालाल रजवाड़े, ऑप्शन डी रामविचार नेताम। फटाफट बताइए, छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किन्हें बनाया गया है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह एक अस्थायी पद होता है जो कि आपके विधानसभा की प्रथम बैठक में जब तक अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। ये नवनिर्वाचित जो विधायक है उन्हें शपथ दिलाने का कार्य करता है। तो छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं आपके श्री राम विचार नेताम जी, जो कि रामानुजगंज विधानसभा सीट से आते हैं। रामानुजगंज विधानसभा सीट से आते हैं, जो कि एक एसटी आरक्षित अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, छठवीं विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। फटाफट बताइए, छत्तीसगढ़ में जो टोटल आपके 90 विधानसभा सीट है, इन 90 विधानसभा सीट में से कुल कितनी सीटों पर महिला विधायक जो है ये निर्वाचित होकर के पहुंची है? फटाफट अपना आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 19 सीटों पर जो है महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला प्रतिनिधित्व विधानसभा सीट नहीं है? जैसे कि हमने कहा टोटल 90 विधानसभा सीट है, 90 में से 19 विधानसभा सीट पर जो है महिला विधायक है। ऑप्शन ए पत्थलगांव, ऑप्शन बी अकलतरा, ऑप्शन सी बिलाईगढ़, ऑप्शन डी संजारी बालोद। देखिए, कम से कम एक नज़र में ना जो 19 सीट है जिस पर महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व है, उस 19 सीटों के नाम एक बार में एक नज़र में थोड़ा सा एग्जाम से पहले देख करके जाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड टॉपिक है विधानसभा चुनाव 2023, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अकलतरा पर महिला विधायक का प्रतिनिधित्व नहीं है, यहां पर है आपका राघवेंद्र सिंह, यहां पर विधायक है, यानी कि एक पुरुष विधायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म महिला प्रतिनिधित्व विधानसभा सीट और महिला विधायक सही सुमिलित नहीं है? पत्थलगांव श्रीमती गोमती साय, सारंगढ़ श्रीमती उत्तरा जांगड़े, भटगांव श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े, और डी सिहावा जहां पे है श्रीमती संगीता सिन्हा। फटाफट अपना आंसर बताइए, कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। पहला चीज तो ये जो चारों के चारों सीट है, ये चारों के चारों सीट महिला आरक्षित सीट है। अब कौन सा विधायक का एक नाम सुमिलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीमती संगीता सिन्हा। यहां पर मौजूद है आपकी श्रीमती अंबिका मरकाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है? यानी कि यहां पर जो है टोटल 6 विधानसभा सीट के नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है, कौन सा, नीचे आपके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब आरक्षित सीट है। एक है डोंडी लोहारा, 2 है लैलुंगा, 3 है जगदलपुर, 4 है मस्तूरी, 5 है बिंद्रानवागढ़, 6 है सारंगढ़। ऑप्शन देखिए फटाफट, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपका 1, 2, 5, 3, 2, 3, 6, 1, 2, 5, 6, 1, 3, 4, 5। फटाफट अपना आंसर बताइए। डोंडी लोहारा, लैलुंगा, जगदलपुर, मस्तूरी, बिंद्रानवागढ़ और आपका सारंगढ़।
देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डोंडी लोहारा और लैलुंगा और इसके साथ साथ आपका बिंद्रा नवागढ़। ये जो तीन सीट है, ये तीन सीट आपका अनुसूचित जनजाति आरक्षित है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 29। ये तीन सीट दिए गए आपके विकल्प में से, ये जो तीन सीट है ये अनुसूचित जनजाति आरक्षित है। जगदलपुर जो कि बस्तर है, बस्तर आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्र है, लेकिन ये जो है आपका अनरिजर्व सीट है, अनारक्षित सीट है। जबकि सारंगढ़ और मस्तूरी ये अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, शेड्यूल्ड कास्ट, जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। वर्तमान राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन प्रदेश के डैश पूर्वकालिक राज्यपाल है। ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 6वें, ऑप्शन सी 7वें, ऑप्शन डी आपके 8वें। फटाफट बताइए कौन सा क्रम है उनके कार्यकाल के आधार पर। श्री विश्वभूषण हरिचंदन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपके 7वें। ठीक है, 7th नंबर के ये आपके राज्यपाल है हमारे छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। छत्तीसगढ़ के नव नियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय किस निर्वाचन या विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन ए कुनकुरी, ऑप्शन बी सामरी, ऑप्शन सी प्रतापपुर, ऑप्शन डी बैकुंठपुर। देखिए श्री विष्णुदेव साय जी जो है ये आपके आदिवासी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के दूसरे जनजाति या आदिवासी मुख्यमंत्री है। इसको लेकर के भी जब मैंने वीडियो बनाया तो काफ़ी विवाद हुआ। कुछ लोग बोल रहे हैं आपके अजीत जोगी जी शेड्यूल्ड कास्ट से थे, उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं था। ये विवादों को छोड़ दीजिए, एक आपके दैनिक भास्कर में आर्टिकल आया था जहां से इसको उठाया गया है। फिलहाल जो बताया जा रहा है उसे आप पढ़िए। वैसे भी कोई विवादित क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो इनका संबंध जो है ये कुनकुरी विधानसभा सीट से है, ये ST आरक्षित सीट है, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है? ए पहला है आरंग, दूसरा डोंगरगांव, तीसरा अहिवारा, चौथा पामगढ़, पांचवा खल्लारी, छठवा सरायपाली। फटाफट अपना आंसर बताइए। यहाँ पर पूछा जा रहा है SC आरक्षित, छत्तीसगढ़ में SC आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 10, ठीक। ऑप्शन ए 1, 3, 4, 6, ऑप्शन बी 2, 4, 5, 6, ऑप्शन सी 1, 2, 3, 5, 6, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि पूरा। फटाफट आंसर बताइए। इसका आंसर होगा आरंग, अहिवारा, सरायपाली, पामगढ़। बचे जो दो है ये आपके अनरिजर्व सीट है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 163, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इनकी नियुक्ति की जाती है संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59। छत्तीसगढ़ के नव नियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा किस निर्वाचन या विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? ए लोरमी, बी खरसिहा, सी कवर्धा, डी जयपुर। फटाफट अपना आंसर बताइए, किस विधानसभा क्षेत्र से वो निर्वाचित होकर के पहुंचे हैं? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, इनके विधानसभा सीट को स्पेशली याद रखिएगा। वो सीट आरक्षित है या अनारक्षित है, आरक्षित है तो किस वर्ग से आरक्षित है, ये सब याद रखना है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका विजय शर्मा जी का जो सीट है ये कवर्धा सीट से आपके चुनाव जीत करके पहुँचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60। छत्तीसगढ़ के नव नियुक्त उप मुख्यमंत्री अरुण साव का निर्वाचन या विधानसभा क्षेत्र किस विधानसभा से निर्वाचित हुए? ऑप्शन ए लोरमी, ऑप्शन बी खरसिहा, ऑप्शन सी कवर्धा, ऑप्शन डी जयपुर। फटाफट इसका आंसर बताइए, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लोरमी। लोरमी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर के ये विधानसभा पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 164(1), अनुच्छेद 154(1), अनुच्छेद 153(1), ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट अपना आंसर बताइए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी,
ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री का पद है ये एक असंवैधानिक पद है। कुछ लोग इसके लिए भी लेकर के यूट्यूब में कमेंट कर रहे थे, सर असंवैधानिक नहीं होगा, गैर संवैधानिक होगा या एक संवैधानिक पद नहीं। अरे बहुत सी बातें आती है, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक, ठीक है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक। इसे जो है कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया जाता है उप मुख्यमंत्री के पद को, ठीक। उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का दर्जा किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी संसदीय सचिव, ऑप्शन सी विधानसभा स्पीकर, ऑप्शन डी कैबिनेट मंत्री। इसका मैंने आपको आंसर पहले ही बता रखा है, इसका आंसर क्या होगा? कैबिनेट मंत्री, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया है। 63, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन है? श्री त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव, ऑप्शन बी श्री चरणदास महंत, ऑप्शन सी डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, ऑप्शन डी श्री प्रकाश शक्राजीत नायक। फटाफट आंसर बताइए, इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ठीक है। कुछ ही महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे, इनका नाम क्या है? टी एस सिंहदेव जी, जिनका पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है, ठीक है। ये हमारे प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट देखिए, 64, छत्तीसगढ़ की छठी विधानसभा के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजय चंद्राकर, ऑप्शन बी ब्रिजमोहन अग्रवाल, ऑप्शन सी डॉक्टर रमन सिंह, ऑप्शन डी धर्मलाल कौशिक। फटाफट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह जो है ये राजनांदगांव विधानसभा सीट से चुनाव जीत करके पहुंचे हैं। ये एक अनरिजर्व सीट है, अनारक्षित सीट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे पूछा जाए तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी थे 2000 से 2003 तक। उसके बाद दूसरे विधानसभा के अध्यक्ष थे प्रेम प्रकाश पांडे 3 से 9 तक। तीसरे विधानसभा अध्यक्ष थे आपके धर्मलाल कौशिक जी, जिनका कार्यकाल था 2009 से लेकर के 2014 तक। चौथे थे आपके गौरी शंकर अग्रवाल जी 14 से 19 तक। पांचवे थे आपके चरणदास महंत जी 19 से 23 तक। छठे विधानसभा के डॉक्टर रमन सिंह 23 से निरंतर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 65, श्री गौरी शंकर अग्रवाल किस विधानसभा के अध्यक्ष थे? अभी मैंने बताया है, सुने होंगे तो आपसे आंसर बन जाएगा, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम। फटाफट अपना आंसर बताइए, श्री गौरी शंकर अग्रवाल जो है ये चौथे विधानसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। कई बार व्यापम में, पीएससी तो नहीं, व्यापम में एक रैंडम क्वेश्चन ऐसे ही डाल देता है। तृतीय विधानसभा के विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? धर्मजीत सिंह, बद्रीधर दीवान, नारायण चंदेल या मोहन सिंह मंडावी। फटाफट अपना आंसर बताइए, यहाँ पे तृतीय विधानसभा की बात हो रही है। अभी वर्तमान में कौन सा विधानसभा है? छठवीं विधानसभा है। तो तृतीय विधानसभा के विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? नारायण चंदेल। छठवीं विधानसभा के विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? अभी तक छठवीं विधानसभा का उपाध्यक्ष अभी नहीं चुना गया है, ठीक है। अभी छठी विधानसभा के कोई भी विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 67, छत्तीसगढ़ की छठी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, ये क्वेश्चन गलत होगा ना, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर जो है ये श्री राम विचार नेताम जी थे, लेकिन ये प्रोटेम स्पीकर को हटा करके ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का नाम रखिएगा, क्योंकि शुरू में चर्चा थी कि श्री प्रोटेम जो आपके ब्रिजमोहन अग्रवाल है उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा, ठीक है, लेकिन बाद में फिर चेंज कर दिया गया और राम विचार नेताम जी को बनाया गया। तो प्रोटेम स्पीकर को यहाँ से हटा दीजिएगा। ऑप्शन ये जो है आपके ब्रिजमोहन अग्रवाल जी किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? ए रायपुर ग्रामीण, बी रायपुर नगर पश्चिम, सी रायपुर नगर उत्तर, डी रायपुर नगर दक्षिण, ठीक है। कैबिनेट मंत्री किस विधानसभा सीट से चुनाव जीत करके पहुँचे हैं उसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। टोटल 12 मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री में शामिल है, जिसमें से एकमात्र महिला मंत्री है, उनका भी नाम याद रखिएगा, ठीक है। फटाफट इसका आंसर बताइए, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जो है ये रायपुर नगर दक्षिण से आपके चुनाव जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, छत्तीसगढ़ की छठी विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का निर्वाचन या विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? ये भी मैंने आपको बता चुका है, आपके राजनांदगांव सीट से चुनाव जीते थे, एक अनारक्षित सीट है। क्वेश्चन नंबर 69, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? पहला 2967, दूसरा 3167, तीसरा 3379, चौथा
3682 बाघ। फटाफट बताइए कि बाघ सर्वेक्षण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जो बाघ रिपोर्ट 2022 आई है उसमें भारत की बात हो रही है ना, इंडिया की, भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 3682 बाघ। ठीक है, ये बाघों की कुल संख्या है हमारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी के बाघ रिपोर्ट के अनुसार पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत में बाघों की संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई है? 200 बाघ, 379 बाघ, 621 बाघ, 715 बाघ। फटाफट बताइए आंसर क्या होगा कि बाघों की संख्या में कुल कितने बाघ बड़े हैं पिछले रिपोर्ट की तुलना में। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 715 बाघ, ऑप्शन डी 715 बाघ। पिछला रिपोर्ट आया था 2018 में, दूसरा रिपोर्ट अभी नया रिपोर्ट आया है 2022 में। 2022 में बाघों की संख्या कितनी है? 3682 बाघ। 2018 में बाघों की संख्या थी 3967 बाघ। दोनों को अगर देखेंगे तो 715 बाघ बड़े हैं पिछले रिपोर्ट की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के अंतर्गत कुल कितने सदस्य देश शामिल किए गए हैं? बिग कैट अलायंस जिसके अंतर्गत बाघ हो गया, लायन हो गया, जो आपका लेपर्ड हो गया, इन सारे को संरक्षण संबंधित जो है इसमें कार्य किया जाएगा। कर्नाटक के मैसूर में आपके 9 अप्रैल 2023 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इस बिग कैट अलायंस का उद्घाटन किया गया था, जिसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 91, 93, 95, 97। फटाफट अपना आंसर बताइए। इसका आंसर होगा आपका 97। ठीक है, 97। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बाघ रिपोर्ट 2023 में के अनुसार सर्वाधिक संख्या किस बाघों की सर्वाधिक संख्या किस टाइगर रिजर्व में पूछा जा रहा है? फटाफट आंसर बताइए। जिम कार्बेट उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। ठीक है, फटाफट इसका आंसर बताइए। बाघों की सर्वाधिक संख्या किस आपके टाइगर रिजर्व में है पूछा जा रहा है? जिम कार्बेट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका जिम कार्बेट उत्तराखंड। 290 बाघ है इस जिम कार्बेट के अंतर्गत। ठीक है, सॉरी 260 बाघ है इस जिम कार्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बाघ रिपोर्ट 2023 के अनुसार 29 जुलाई 2023 को जारी किया गया। दूसरा, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। तीसरा कथन, भारत की वैश्विक भाग संख्या हिस्सेदारी 75% है, यानी कि बाघों के मामले में। पिछली रिपोर्ट 2018 में भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 थी। निम्न ये सब कथन पर विचार कीजिए पूछ रहा है, और सही कथन चुनिए। केवल एक, एक और दो, एक दो और तीन, एक दो तीन और चार। फटाफट अपना आंसर बताइए। इसमें जो है चारों कथन आपके सही है। ठीक है, 29 जुलाई 2023 को रिपोर्ट जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर। इसमें जो है भारत में वर्तमान बाघों की संख्या 3682 है। भारत जो है बाघों की संख्या के मामले में विश्व में 75% हिस्सेदारी रखता है। पिछले रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या कितनी थी? 2967। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्राकृतिक क्षेत्रों के आधार पर बाघों की सर्वाधिक संख्या है, ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी सुंदरबन क्षेत्र, ऑप्शन सी शिवालिक पर्वतमाला, ऑप्शन डी मध्य भारत पूर्वी घाट। जो आपका जो रिपोर्ट पेश किया गया, इस रिपोर्ट में जो है अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया था। ठीक है, इसे जो है अलग अलग क्षेत्र में बांटा गया था, आपके बाघ रिपोर्ट के आधार पर भारत को भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया था। तो ये जो अलग अलग क्षेत्र बांटा गया, इसमें सर्वाधिक बाघ किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं पूछा जाए, तो देखिए सर्वाधिक बाघ आते हैं आपके मध्य भारत एवं पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में। ठीक है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मध्य भारत एवं पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में सर्वाधिक बाघ आते हैं। नेक्स्ट NTCA, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। NTCA के अनुसार मुख्य क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बेट टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान, ऑप्शन सी सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी रामानुज सागर श्रीसैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। फटाफट अपना आंसर बताइए, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नागार्जुन श्रीसैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये जो NTCA है ना, इसमें 53 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया था,
जिसमें सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आपका नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। अभी चर्चा में है कि 54वां और 55वां दोनों टाइगर रिजर्व बन चुके हैं, उनके नाम नीचे बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, NTCA के अनुसार मुख्य क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ए ओरांग असम, बी बोर महाराष्ट्र, सी अचानकमार छत्तीसगढ़, डी डंपा मिजोरम। फटाफट अपना आंसर बताइए। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा, सॉरी भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है मुख्य क्षेत्र के आधार पर? इसका आंसर होगा आपका ओरांग असम, जो कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16 बाघ, ऑप्शन बी 17 बाघ, ऑप्शन सी 18 बाघ, ऑप्शन डी 19 बाघ। फटाफट आंसर बताइए, छत्तीसगढ़ में बाघों की कुल संख्या कितनी है पूछा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में बाघों की कुल संख्या है आपकी 17, ठीक है। जो नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछली रिपोर्ट की तुलना में छत्तीसगढ़ में 2 बाघों की वृद्धि हुई है, 3 बाघों की वृद्धि हुई है, 2 बाघों की कमी हुई है, 3 बाघों की कमी हुई है। फटाफट आंसर बताइए। पिछली रिपोर्ट 2018 में आई थी, उसकी तुलना में जो नई रिपोर्ट आई है 2022 में, उसमें छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, कमी हुई है? और वृद्धि हुई है तो कितनी हुई है, कमी हुई है तो कितनी हुई है? फटाफट आंसर बताइए। देखिए, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो है बाघों की संख्या थी 19, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या है 17, यानी कि 2 बाघ कम हुए हैं, ठीक है, कमी दर्ज की गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ संख्या दर्ज की गई है? ऑप्शन ए अचानकमार, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी उद्दंती सीता नदी, ऑप्शन डी गुरु घासीदास। फटाफट अपना आंसर बताइए, किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघों की संख्या दर्ज की गई है आपके बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार? इसका करेक्ट आंसर होगा अचानकमार, ठीक है। देखिए, अचानकमार में टोटल 5 बाघों की संख्या यहां पे दर्ज की गई है, इंद्रावती में 1, उद्दंती सीता नदी में 1, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये सबको मिलाकर के 7 हो रहा है और छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है? 17। तो ऐसा नहीं है, ये टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। ओवरऑल छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है आपकी? 17। टाइगर रिजर्व में दर्ज किया गया है टोटल 7, ठीक है। इस सर्वे में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व शामिल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जारी बाघ रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में किस वर्ष में पिछली रिपोर्ट की तुलना में बाघों की संख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? देखिए, ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन बी 2022। फटाफट अपना आंसर बताइए। देखिए, बाघ रिपोर्ट जो है ये 4 साल में पेश होता है, 2006, 2010, 2014, 2016, 2014 का 2018, उसके बाद 2020 और 2018 के बाद 2022, ठीक है। अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में 2006 में बाघों की संख्या 26, 10 में 26, 14 में था 46, 18 में था 19 और 22 में है 17। अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई आपके ये 2014 और 2018 के रिपोर्ट में, यानी कि सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ है वो हुआ है आपके 2018 के रिपोर्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्ष 2018। नेक्स्ट देखिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्य में बाघों की संख्या के आधार पर सही क्रम है, यानी कि राज्यों में जो बाघों की संख्या है उसके आधार पर सर्वाधिक बाघ, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है, फोर्थ नंबर में कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी होगा आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तराखंड। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक। फटाफट अपना आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या है आपके मध्य प्रदेश में, जहाँ पे मध्य प्रदेश में 785 बाघ मौजूद है। सेकंड नंबर पर है कर्नाटक, कर्नाटक में 653 बाघ है। थर्ड नंबर पर है उत्तराखंड, उत्तराखंड में 560 बाघ है। फोर्थ नंबर पर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 444 बाघ है। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का टाइगर स्टेट का भी दर्जा दिया गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, सेकंड नंबर पर आपका कर्नाटक, थर्ड नंबर पर उत्तराखंड, फोर्थ नंबर पर है महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में महानदी उड़ीसा में मीठे पानी की मछली का एक नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है गोट्रिंगला इंटरमीडिया, ऑप्शन बी बेलुगा स्टर्जन, ऑप्शन सी अवॉस मोटला, ऑप्शन डी महाशीरपाई। फटाफट अपना आंसर बताइए। उड़ीसा में महानदी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से महानदी का उद्गम होता है, उड़ीसा से होते हुए बंगाली खाड़ी में जाकर विसर्जित होती है, इसमें मीठे पानी की एक नई प्रजाति की मछली मिली है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका अवॉस मोटला, ऑप्शन सी, ठीक है, अवॉस मोटला। अवॉस जो है इस मछली की प्रजाति का नाम है, मोटला जो कि उड़ीसा के सोनपुर वाले क्षेत्र में जो मछुआरे जो है इस मछली को पकड़ते हैं और इसे इसको नाम दिया गया मोटला। तो प्रजाति और स्थानीय नाम के आधार पर इसको नाम दिया गया अवॉस मोटला, ठीक है। अवॉस मोटला नई प्रजाति की मछली किस नदी में मिली है पूछा जाए तो महानदी में मिली है। 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। सुरही नदी का उद्गम पैरी मीठा पहाड़ बंजारी क्षेत्र गंडई से होता है। ऑप्शन बी यह नदी आमनेर नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी इस नदी पर पैरा मीठा जलाशय स्थित है। ऑप्शन डी इस नदी पर धांस जलप्रपात स्थित है। फटाफट अपना आंसर बताइए। और जो ऑप्शन गलत है तो वो गलत क्यों है वो उसका उसको भी थोड़ा सा फुल डिटेल बताइएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यह कथन असत्य है। ये जो आपका जो नदी है कौन सा, सुरही नदी, ये आमनेर नहीं, ये शिवनाथ की सहायक है और इस पर पैरी मीठा जलाशय भी स्थित है। इस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है धांस जलप्रपात और इसका उद्गम गंडई क्षेत्र से होता है, खैरागढ़ छुई खदन गंडई जिले के गंडई क्षेत्र। 84, परवाबाड़ी गुफा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जशपुर, ऑप्शन बी सुकमा, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी बीजापुर। फटाफट अपना आंसर बताइए। परवाबाड़ी जो कि एक खोजी गई नई गुफा है किस जिले में स्थित है? परवाबाड़ी गुफा स्थित है आपके बस्तर जिले में। बस्तर जिले में जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में इस गुफा की खोज हुई है, परवाबाड़ी गुफा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85, भुनभुनी जलाशय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी कोंडागांव, ऑप्शन सी कांकेर, ऑप्शन डी बीजापुर। ऐसे जो है आपके कुछ नए नए जलप्रपात से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा। मैंने अपने करंट अफेयर के बुक में बहुत से आपके नए जलप्रपातों के नामों को शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो भुनभुनी जलप्रपात है किस जिले में स्थित है? बस्तर जिले में स्थित है आपका भुनभुनी जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरईदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ऑप्शन बी कबीरधाम, ऑप्शन सी जशपुर, ऑप्शन डी सारंगढ़ बिलाईगढ़। फटाफट आंसर बताइए। ये जो सरईदाह जलप्रपात है ये आपके कबीरधाम जिले में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, नागोबागा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये शायद महिला पर्यवेक्षक या सहकारिता विभाग वाले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए नारायणपुर, ऑप्शन बी सुकमा, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी बस्तर। तो ये जो आपका नागोबागा जलप्रपात है किस जिले में स्थित है पूछा जाए तो नारायणपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, मकड़ी दरहा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केशकाल, ऑप्शन बी भानुप्रतापुर, ऑप्शन सी उसूर, ऑप्शन डी सारंगढ़। फटाफट आंसर बताइए। मकड़ी दरहा जलप्रपात, ये जो मकड़ी दरहा जलप्रपात है ये नवगठित जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सारंगढ़ वाले क्षेत्र में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, इस मकड़ी दरहा जलप्रपात का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, इसमें जलप्रपात और उसके स्थान को सुमिलित कीजिए। पहले एक तरफ है जलप्रपात के नाम फुलपाड़ जलप्रपात, दूसरा है फुलपाड़ जलप्रपात, गुल्लू जलप्रपात, चिंगरा पगार जलप्रपात और परसाखोल जलप्रपात। स्थान के नाम है दंतेवाड़ा, जशपुर, गरियाबंद और कोरबा। फटाफट सुमिलित कीजिए। देखिए इसमें जो है
फुलपाड़ जलप्रपात दंतेवाड़ा सही है, यानी कि ये आएगा। गल्दू जलप्रपात जशपुर में है, चिंगरा पगार गरियाबंद में है, परसाखोल जो है कांकेर में है। 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। घोड़ाधार जलप्रपात किस जिले में, घोड़ाधार जलप्रपात किस पहाड़ी में स्थित है? रदन की पहाड़ी, शिशुपाल पहाड़ी, भातृगढ़ पहाड़ी, गौरागढ़ पहाड़ी। फटाफट अपना आंसर बताइए कि जो ये जो आपका जलप्रपात है घोड़ाधार जलप्रपात, ये किस पहाड़ी पर स्थित है? रदन की पहाड़ी, शिशुपाल पहाड़ी, भातृगढ़ पहाड़ी, गौरागढ़ पहाड़ी। तो ये मौजूद है आपके शिशुपाल पहाड़ी पर। ठीक है, किस पहाड़ी पर स्थित है? शिशुपाल पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। अंजन और बरतुंगा पहाड़ी कहाँ स्थित है? चिरमिरी, कसडोल, साल्हेवारा और आपका पखांजूर। कहाँ स्थित है, जिला नहीं, कहाँ स्थित है? फटाफट आंसर बताइए। आज ना केवल 100 क्वेश्चन तक करते हैं, बचे हुए जो आपके 95 क्वेश्चन रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ये ज़्यादा हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, है ना, वीडियो भी काफ़ी लंबा बन जाएगा और एक बार में इतने सारे बच्चे एक साथ नहीं बैठ पाएंगे इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए। तो आज की इस क्लास में हम 100 क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद कल सुबह मॉर्निंग में या कल इवनिंग तक इसका दूसरा पार्ट भी आ जाएगा जिसमें बचे हुए क्वेश्चन को भी हम करेंगे। और समय निकाल करके आप जो है उस क्लास को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैं ये नहीं बोल रहा कि सेम टू सेम एज इट इज़ क्वेश्चन उठा कर डाल देगा एग्जाम में, लेकिन कम से कम पढ़े रहेंगे उससे जुड़े हुए। देखिए यहाँ पर अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है ना, करंट अफेयर की पुस्तक को उठा करके फिर से उसको देखा कीजिए कि कहाँ पर क्या छूट गया है, उससे रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट है उसको थोड़ा देखा कीजिए थोड़ा। ठीक है, इससे आपका करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक, ये जो अंजन बरतुंगा की जो पहाड़ी है ना, ये कोल भंडारी क्षेत्र है, कोयले का भंडारण है, ये मौजूद है आपका चिरमिरी क्षेत्र में। ठीक है, अंजन बरतुंगा की पहाड़ी जो कि कोल भंडारी क्षेत्र है, ये चिरमिरी में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निमगांव जलाशय किस जिले में स्थित है? बेमेतरा, कवर्धा, जशपुर और आपका सरगुजा। किस जिले में स्थित है निमगांव जलाशय, फटाफट बताइए। नीमगांव जलाशय स्थित है आपके जशपुर जिले में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस जलाशय का नाम याद रखना है, किस जिले में स्थित है ये भी याद रखना है, रैंडम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। देश देखा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सारंगढ़ बिलाईगढ़, ऑप्शन बी जशपुर, ऑप्शन सी खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ऑप्शन डी शक्ति। देश देखा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ऐसे रैंडम पहाड़ी से, जलप्रपात से, जलाशय से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर के पुस्तक में जाकर के और भी पहाड़ियों के नाम, और भी जलाशयों का नाम, जलप्रपातों के नाम, इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो ये जो आपका देश देखा पहाड़ी है ये भी आपके जशपुर जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। सूची 1 जलाशय या बांध, सूची 2 स्थान को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ जलाशय का नाम है और दूसरी तरफ जो है स्थान के नाम है। जलाशय औरापानी जलाशय, साजाखंड जलाशय, क्रांति जलाशय, बरनई बांध। सूची 2 स्थान के नाम सरगुजा, कबीरधाम, बैकुंठपुर, बिलासपुर। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आप जो है फटाफट अपना आंसर टाइप कीजिए, कौन सा जलाशय कहाँ पर स्थित है, जल्दी कीजिए। देखिए औरापानी जो जलाशय है ये मौजूद है आपके बिलासपुर में, साजाखंड जलाशय जो है ये मौजूद है बैकुंठपुर में, क्रांति जलाशय जो है ये मौजूद है कबीरधाम में, बरनई जलाशय जो है ये मौजूद है सूरजपुर में। ठीक है, औरापानी काफ़ी हाईलाइट में था, याद रखिएगा, बिलासपुर, क्रांति जलाशय कवर्धा, साजाखंड जलाशय बैकुंठपुर और आपके बरनई जलाशय आपका कहाँ पर स्थित है, सरगुजा में। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट देखिए, कुंवरपुर बांध किस जिले में स्थित है? बलराम, ऑप्शन ए बलरामपुर, ऑप्शन बी सूरजपुर, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी सरगुजा। कहाँ स्थित है कुंवरपुर बांध, कहाँ स्थित है, फटाफट अपना आंसर टाइप कीजिए। कुंवरपुर बांध स्थित है आपके सरगुजा जिले में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट REE ब्लॉक की ई नीलामी की जा रही है? गोविंदपाल, मुंडपाल, केलवा डबरी, भालूकोना, महेशपुर, घुचापुर और आपके औरंगा और
धुलांगी, फटाफट आंसर बताइए। भारत सरकार ने जो है पूरे भारत भर में से 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपके रेयर अर्थ एलिमेंट की ई नीलामी का एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के एक स्थान या एक ब्लॉक की ई नीलामी की जा रही जो कि लिथियम भंडारित है। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन सी महेशपुर घुचापुर। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा महेशपुर घुचापुर, यहाँ पे किस आपके खनिज का भंडारण है? यहाँ पर लिथियम का भंडारण है। लिथियम जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी की बैटरी बनाने के लिए उपयोग होता है, मोबाइल की बैटरी बनाने के लिए, लैपटॉप की बैटरी बनाने के लिए इस लिथियम का उपयोग होता है। हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपका जम्मू कश्मीर में भी जो है आपकी लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है भारत का। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महेशपुर घुचापुर जो कि कोरबा जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, प्रदेश की सबसे बड़े सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कोरबा जिले में बनाया जा रहा है, इसकी प्रस्तावित क्षमता कितनी है? 780 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 720 मेगावाट, 1550 मेगावाट, फटाफट आंसर बताइए। इसका आंसर होगा आपका 1320 मेगावाट। ठीक है, इसकी प्रस्तावित क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट। पिछली सरकार ने इसकी घोषणा की थी, इसका नाम भी रखने की घोषणा की गई थी राजीव गांधी जी के नाम पर, लेकिन अब इसका क्या होगा इसका कोई भी अता पता नहीं है। मेरे हिसाब से इसका काम रुकना नहीं चाहिए, लेकिन प्लांट का नाम हो सकता है चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, जिसमें गुफा के नाम, सूची एक गुफा और सूची दो स्थान को सुमिलित कीजिए। एक तरफ गुफाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्थानों के नाम दिए गए हैं। गुफा नरसिंह गंगा गुफा, आलोर गुफा, परवाड़ी गुफा और बिलद्वार गुफा। स्थानों के नाम कोरबा, कोंडा गांव, आपका बस्तर और एक है आपका सूरजपुर। फटाफट अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, सुमेलित कर लीजिए, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता होगा कहां कहां पर कौन कौन सा गुफा है, आपको आराम से टाइप करते बनेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, अभी हम पहले पढ़ चुके हैं नरसिंह गंगा गुफा, चैतमा ग्राम आपके कोरबा जिले में स्थित है, आलोर गुफा भी हम पढ़ चुके हैं, लिंगेश्वरी माता का मंदिर कहां पर स्थित है, कोंडा गांव, परवाबाड़ी गुफा भी हम पढ़ चुके हैं, बस्तर जिले में स्थित है आपके कांगेर घाटी नेशनल पार्क में, बिलद्वार गुफा जो है ये आपके सूरजपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99, प्रदेश का गन्ना बेस सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए पंडरिया, ऑप्शन बी रामेपुर, ऑप्शन सी करकाभाटा, ऑप्शन डी केरताग्राम। गन्ना आधारित सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? चारों स्थान के नाम अगर आप देखेंगे, पंडरिया, रामेपुर, करकाभाटा और केरताग्राम, यहाँ पे जो है प्रदेश के 4 शक्कर कारखाने स्थित है सभी स्थान पर। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आपका पंडरिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल है, रामेपुर में भोरमदेव शक्कर कारखाना है, करकाभाटा में आपका दंतेश्वरी शक्कर कारखाना है, केरताग्राम में जो है महामाया शक्कर कारखाना है। तो यहाँ पे जो है गन्ना भी सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया पूछा जाए तो ये है आपके रामेपुर, यानी कि भोरमदेव शक्कर कारखाना के समीप। इसका उद्घाटन भी किया गया है और इस पर रोक भी लगा दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। जैसे ही सरकार चेंज हुआ, वैसे ही इस गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट पर रोक भी लगा दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने 29/11 यानी कि 29 नवंबर 2023 को महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों की कुल डैश खनिज ब्लॉक की ई नीलामी की पहली श्रृंखला शुरू की है, 18, 20, 23, 25। जैसे कि मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ सहित और 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्र में कोल ब्लॉक की ई नीलामी की प्रदेश सरकार के द्वारा जो है श्रृंखला शुरू की गई है। तो कुल कितने ब्लॉक है? पूरे भारत भर में से 20 ब्लॉक का चयन किया गया है। इस 20 ब्लॉक में से हमारे कोरबा में जो आपका लिथियम भंडारित क्षेत्र है महेशपुर घुचापुर, ठीक है, वो इसमें शामिल है। 20 ब्लॉक की ई नीलामी की जा रही है। अब देखिए, टोटल 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और इसके बाद अभी आपके 93 क्वेश्चन और बाकी है। तो मेरे हिसाब से एक बार में थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए भी, जो काफ़ी समय से मेरे हिसाब से लगभग कितना 1.5 घंटा के आसपास होते आ रहा है। इतने टाइम में आप में से बहुत से लोग लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ इसका
आप अपना आंसर भी देते जा रहे चैट सेक्शन में, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट है इसे हम कल मॉर्निंग में या फिर नेक्स्ट डे, कल मॉर्निंग में या कल इवनिंग तक ट्राई करूंगा कि इसका सेकेंड पार्ट भी जल्दी से जल्दी ला लूँ। ठीक है, इसको मैं आगे अभी भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से एक समय के बाद चीज़ें बोरिंग हो जाती है, तो थोड़ा सा आज के लिए यहीं करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल मॉर्निंग में अपलोड करने का ट्राई करूँगा, कल मॉर्निंग में नहीं तो कल इवनिंग तक ये आ ही जाएगा। और आप छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का बुक जिन्होंने नहीं लिया है वो जल्दी से जल्दी इसे ले लीजिए, जल्द ही ये मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, जिसके बाद ये मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। जो कहीं दूरस्थ अंचल क्षेत्र में रहते हैं वो सीजी बुक्स कार्ट में जाकर के ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी के सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं, बाकी ये आपके नज़दीकी बुक डिपो में भी अवेलेबल है। और जो करेक्शन आपको बताया गया पेज नंबर 31 में, उस करेक्शन को कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। चलिए।